हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कच्चे केले की मसालेदार सब्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच सरसों का तेल, 2 बड़े प्याज कटे हुए, 4 टमाटर कटे हुए, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 तेल। अब हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें सरसों का तेल डालें, उसके बाद 2 तेज़पत्ते, साबुत जीरा, हींग डाल के उसे जैसे गर्म कर लें, फिर उसमें स्लाइस में कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज जब हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तो फिर हम उसे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये थोड़ा पतला हो गया है, आप इतना पतला ना करें। प्याज अदरक लहसुन को अच्छे से भूनने के बाद उसमें हल्दी, नमक, जीरा धनिया पाउडर, मिर्च, सारे मसाले आपको जो भी, तो सिर्फ गरम मसाला छोड़कर आप सारे मसाले डाल लें उसमें। मसाले को अच्छे से भूनें, बिल्कुल 1 चम्मच पानी डालेंगे हम उसमें। मसाले को अच्छे से भून लें, जब मसाला कढ़ाई छोड़ने लगे, इसमें सूख भी अपना ओट्स बना रही है तो सूख के साथ करना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स। तो टमाटर डाल दें, उसके बाद उसमें ऐड करें 1 चम्मच पानी डालें, फिर टमाटर को पकने दें। जब टमाटर पक जाए तब उसमें गरम मसाला पाउडर डालें। कोई भी मार्केट का लिया हुआ गरम मसाला डालें या घर का बनाया हुआ गरम मसाला, वो 2 चम्मच ऐड करें। उसके बाद उसमें कच्चे केले डाल दें। कच्चे केले काटते कैसे, मैंने उसका एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आप चाहे उसको जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसमें 1 चम्मच पानी डालें, पानी लगभग 20 से 25 मिनट तक पकाएं। कच्चे केले की सब्जी रेडी है फ्रेंड्स, आप इसे बनाइए, खाइए, कमेंट करके मुझे बताइए कैसा बना है। Enjoy. Thanks for watching.